क्या आपको जब आप बैठते हो नीचे तो उठने में प्रॉब्लम होती है, क्रैम्स आते हैं, चलते हो तो पैर दुखते हैं, और बहुत लंबे समय तक चलते चलते आप ऐसे मन होता है कि मैं कहीं बैठ जाऊं, और लेग रिलेटेड इश्यूज या पिगमेंटेशन प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा हो रहे हैं, दैट मीन्स ये एक इंडिकेशन है कि आपका शनि अब आपका खराब होना शुरू हो गया है। तो जब शनि खराब होने लगता है तो पहले पहले आपको इंडिकेशन आता है लेग पेन, पिगमेंटेशन प्रॉब्लम और एक्सेस हेयर फॉल। आप नोटिस करेंगे कि आप थोड़े से भी बाल कोम करते हो तो आपके इतने गुच्छे बाल गिर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम जो होती है वो होती है शनि के वजह से। तो शनि जो होता है वो आपको थोड़ा सा लेजी भी बना देता है, आपको नींद नींद आना शुरू हो जाती है, और ऑब्वियसली लेग्स पेन होते हैं या तो फिर बैठने में प्रॉब्लम होती है, उठने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको लगता है कि मैं कुछ करूँ ही ना। तो इस समय आपको आपकी मार्स को एक्टिवेट करना है। मार्स जो होता है वो एक्शन वाला प्लैनेट होता है। तो वो कैसे आप एक्टिवेट करेंगे, आप जिम ज्वाइन कीजिए, आप योगा क्लास ज्वाइन कीजिए, और आपकी जो बॉडी है उसकी मूवमेंट शुरू कर दो, आप वॉक करना शुरू कर दो और विटामिन डी लेना शुरू कर दो। आप धूप में बैठिए तो सन भी आपका स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो जब आप मार्स और सन को स्ट्रेंथन करेंगे तो सैटर्न के इफेक्ट्स अपने आप कम हो जाएंगे। तो हमारे प्लैनेट्स हमारे हाथ में होते हैं। हम कहते हैं कि हमारा ये प्लैनेट वीक है, वो वीक है, बट एक प्लैनेट को एक्टिवेट करने के लिए हमें दूसरे प्लैनेट की मदद लेनी पड़ती है। तो उस चीज़ में हमें वो सारी रेमेडीज इंक्लूड करनी है ताकि हम जो बुरे मैलिफिक प्लैनेट्स हैं उनके पावर्स को कम कर सके। अगर आपको कोई भी प्लैनेट रिलेटेड इशू है या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए प्लैनेट्स के रिलेटेड, यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद अस फॉर पेड रेमेडीज एंड वी विल बी राइट हियर टू हेल्प यू।